निर्गमन 20 का 7 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह तुम निर्दोष न ठहराए। आमीन। पहली आज्ञा याद है क्या था? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब क्या था? सिर्फ हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, दूसरा भगवान, दूसरा देवता, दूसरा ईश्वर है ही नहीं। परमेश्वर सिर्फ मुझको देखो, मैं ही परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर ने आराधना का लक्ष्य पहली आ गया, आराधना का लक्ष्य। दूसरी आ गया क्या थी? अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। मतलब ठीक है, हम परमेश्वर को छोड़ के कोई दूसरा ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन परमेश्वर को भी हम अपने तरीके से मानते हैं, मूर्ति बना के या अपने सोच से, अपने विचार से परमेश्वर को अपना इमेज बना के मानने लगते हैं। ये भी परमेश्वर मना कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। पिछले हम बुधवार को यूथ मीटिंग में भी इसके बारे में डिटेल बात किया था। परमेश्वर को हम मानते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अपनी रीति से नहीं, अपने सोचने से नहीं। कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि इसराइल लोग भी सोने का बछड़ा वो ऐसा नहीं बनाया कि ये दूसरा भगवान है हम इसको मानेंगे, ऐसा नहीं बनाया। क्यों बनाया? ये परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर को हम एक आइडल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और इसको हम मानते हैं। परमेश्वर ने उसको मना किया, ऐसा नहीं बनाना, मेरे कहने के अनुसार मुझको मेरी सेवा करना है, अपने रीति से नहीं, अपने तरीके से नहीं। हम काफी बार अपना बना हुआ परमेश्वर को मानते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर बात है। हम दूसरा ईश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर भी सच्चा परमेश्वर है या अपने लिए बना हुआ परमेश्वर है, ये सोचना। अपने तरीके से नहीं सेवा करनी है, परमेश्वर जैसे बोलेगा वैसे हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। तो दूसरी जगह वो मना कर रहे थे, अपने लिए अपने कन्वीनियंस के अनुसार परमेश्वर की आराधना मत करो। आज तो तीसरी आज्ञा है क्या है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, व्यर्थ ना लेना। तो ये क्या है? ठीक है, हम ठीक है, यंग सेकंड कमेंटमेंट आ गए। हमने परमेश्वर को परमेश्वर के कहने के अनुसार हम विश्वास करते हैं, आराधना करते तो है दिखावाज में, लेकिन तीसरी आगे क्या है? हमारे मान भी, मान में कैसा एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है उसके बारे में आ गया। पहली आगे क्या है? सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो। दूसरी आगे क्या है? वो परमेश्वर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करो। तीसरी क्या है? और परमेश्वर को भय के साथ, प्रेम के साथ आराधना करो। ये इसलिए लोग सोचते हैं 10 आज्ञाओं में से सबसे आसान आज्ञा क्या है? तीसरी आज्ञा। ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लिया, ऐसे मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आज हम दोबारा सही से सीखेंगे, जानेंगे, तो सबसे अधिक हम किसका उल्लंघन करते हैं? तीसरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर का नाम हम कितना व्यर्थ लेते हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहला, हम ये तीसरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और दूसरा तो ये कैसे हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेके सही से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे, और तीसरा बाइबल में एक उदाहरण देखेंगे कैसे करना, तीसरी आज्ञा को फुलफिल करना है। देखिए पहला क्या है, हम कैसे तीसरी आज्ञा को तोड़ते हैं। मलाकी तरह, मलाकी आज थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, मलाकी 2:2 पड़ी। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा,
और जो वस्तुएं मेरी आशीष से मिलती है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। परंतु जो मन ही मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरा नाम का आदर न करो, परमेश्वर को बहुत अच्छा नहीं लगता है। मेरा नाम का आदर ना करोगे तो मैं शाप दूं। परमेश्वर के नाम का रिस्पेक्ट आदर नहीं करते हैं वो तीसरी जगह का उल्लंघन, तीसरी जगह को तोड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया, इंसान को क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी आधार, अपना आधार के लिए बनाया हम सब। लेकिन हम क्या है, सृष्टि है, उस उद्देश्य के अनुसार हम नहीं जीते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए जीते हैं। सांसारिक कोई दूसरी चीजों की महिमा के लिए जीते हैं तो ये तीसरी आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए मेरा नाम का आदर ना करो तो ये तीसरी आज्ञा जो मेरा नाम व्यर्थ लेने वाला है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के नाम पे सबसे ज्यादा से ज्यादा अधिक क्या करना है, आधार देना। दूसरा यर्मिया 23 का 25 पढ़िए। मैंने इन भविष्य वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने सोबन देखा है। देखिए ये बहुत बहुत गंभीर बात है, आप ध्यान से सुनिए। कोई परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करेगा तो ये परमेश्वर का नाम को व्यर्थ देने वाला। और कितने लोग अभी पूरे वर्ल्ड में ना परमेश्वर का नाम से कितना झूठी भविष्यवाणी करने वाला है जानते हैं? शायद आप हमारे बीच में भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम ऐसी आदत को छोड़ना जैसे सपने में मैंने कुछ देखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा मुझको तू ये करो, परमेश्वर ने मुझे को ये कहा यहां यहां जाओ, ऐसे बोलने के जो आदत है ना, आदत कई लोग हैं उनके साथ बातचीत करते समय वो इस तरीके की बात करते हैं। God told me, God spoke me, परमेश्वर ने मुझसे कहा ये करो, ये ना करो। ये बहुत बहुत सीरियस है ना, मिसलीडिंग भी हो सकता है। उन लोगों से इस तरीके से हम बाजी करेंगे, God spoke me, परमेश्वर ने मुझको कहा, तो ये सब लोगों से बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये सच में परमेश्वर की ओर से है या अपना सोच है या कल्पना है, इसको हमें डिसर्न करना है। जो अपना इच्छा है ना, अपनी इच्छा है ना, अगर सपने में वो इच्छा परमेश्वर बताएगा, सपने में परमेश्वर से वो वाणी सुनेगा तो वो अच्छा, ये परमेश्वर की वाणी है करके सब लोगों को बता देता है। हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। इसलिए हमें जो अपना जो पर्सनल फीलिंग को सबको बांटना ये बहुत हमें केयरफुल है। देखिए इसकी बजाय हमें क्या, कैसे बातचीत करना है, कैसी आदत में हमारे पास मुंह में होनी है, God spoke me नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा ऐसा नहीं बताना, लेकिन कैसे, वचन में लिखा है ऐसे 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 करने के लिए, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, उसका आधार किस पे होना है, वचन पे होना, क्योंकि ये तो परमेश्वर का 100% वचन है, उनकी इच्छा है। तो हम अगर यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ वचन कहा तो हम उसको लोग बता सकते हैं परमेश्वर ने ऐसा कहा, लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में अनुभव में कि मुझे लगा ऐसा था कि अच्छा तो परमेश्वर चाहता, परमेश्वर ने मुझसे यह कहा तुम्हारा घर शिफ्टिंग करो, बेंगलुरु में चलता, चेन्नई में चलता, ये अपना पर्सनल अनुभव है, इसको दूसरों के लिए लागू नहीं करना। सिर्फ ऐसा सोचो अच्छा हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर मुझसे ऐसा चाह रहा है तो हमें और प्रार्थना करना है, इसको ना बता। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा इसकी बात के अलावा हमें ये ऐसे बातों की आदत हमारे पास होना है, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है। जैसे यीशु ने 3 बार टेम्पटेशन लिया था जंगल में, यीशु ने कैसे ओवरकम किया, शैतान को कैसे जीत गया,
वचन कहता है, वचन में लिखा है, है ना। तीन, तो हमारे जीवन में भी नॉर्मल डेली लाइफ में भी हमारा कितनी बार हमने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, परमेश्वर परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर ये कहता है, थोड़ा गंभीर से सोच में सोचना है, खूब भी सत्य नहीं होता है। इसलिए अगर नहीं होगा तो ये हमारा क्या है, ये झूठा अभिषेक द्वारा है ना। बहुत बहुत केयरफुल है, परमेश्वर का नाम से कुछ कुछ बोलना हमें बहुत बहुत गंभीरता से लेना। और लेवे व्यवस्था 24:16 यहोवा के नाम की निंदा करने वाला क्या करे, मर डाले। इतना गंभीर बात है। अगर हम पुराना नियम के समय में हम पैदा होते, हम सब अभी मर चुके। यहोवा के नाम के नाम का निंदा करने वाला निश्चय मर डालेंगे। वो एग्जांपल बहुत बहुत सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं, अब खास करके अमेरिका में जब मूवी देखेंगे क्या करते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, हैं, और जीसस क्राइस्ट। कुछ कुछ अपना जो जीवन में कुछ समस्या आती है तो वो ये तुरंत क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, जीसस। जीसस का मतलब क्या है, ये ओ शिट सेम, उसका मीनिंग यही है। तो यीशु के नाम को लेके अपना जो एंगर को है ना, अपना गुस्सा वो एक्सप्रेस करते हैं, ओ जीसस, ओ माय गॉड। ये सब क्या है, यहोवा के नाम का निंदा करने का निश्चय मार दिया जाए, मार दिया जाए, डाला दिया जाए। इतना गंभीर बात है, आप कभी यूज मत करिए ऐसा, ओ जीसस ऐसा मत, ये इतना हल्का से बात करने से आपको मार डालेंगे हम, पत्थर पत्थर डालेंगे। कभी परमेश्वर का नाम अपने मुंह में इतना हल्के से स्लाइटली वो नहीं लेना, राइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यवस्था विवरण 23:21-23 जैसे हम परमेश्वर के सामने लोगों से प्रॉमिस किया, वादा किया, वादा किया, मैं परमेश्वर के सामने आए आपसे ये वादा करता हूँ, मैं अगले हफ्ते आप सबको लंच खिलाऊंगा, स्मॉल प्रॉमिस किया, अगले हफ्ते नहीं कर पाया और एक्सक्यूज बहुत बहाना बनाता हूँ, मैं करना चाह रहा था लेकिन अचानक मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। अगर मना ना खाए, मना ना करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के सामने सबके मतलब दूसरों से वादा किया है तो इसको पूरा करना है। अगर नहीं करोगे क्या है, ये पापी ठहरे परमेश्वर के सम्मुख। जो भी मन्नत और वायदा किया है उसको पूरा करना। काफी बार हम क्या करते हैं, लोगों से शपथ खाते हैं, देखो परमेश्वर देख रहा है मैं 100% श्योर वादा करता, करके हम नहीं कर पाते और कोई नहीं जानो, कोई नहीं, सिचुएशन ऐसी थी। ये भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने वाला है। अगर नहीं कर सके तो करना मत, वादा करना मत, अगर वादा किया है सिचुएशन जो भी हो पूरा करना, ठीक है। ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेने के लिए हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारा बहुत डेली लाइफ में ये होता रहता है 100%। देखो परमेश्वर का मानने पड़ता हूँ मैं, चॉकलेट मिलेगी अगले हफ्ते, यकीन मान करके भूल गया। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, किया और नहीं कर पाया
पापी ठहरे। और मरकुस मरकुस 8 का 38 से किया, जो कोई इस विचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से सजाएगा मनुष्य का पुत्र जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। यदि हम दूसरों के सामने मेरे दोस्तों के सामने जाके ऐसा बोलने से लजाएंगे, मतलब शर्म आएगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर के व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ऐसा बोलने में शर्म आती है, तो मतलब डिस्क्लोज नहीं कर पाते। ओ, मैं जब तक वो ना पूछे, पीते पीते ना पूछे, तब तक मैं खोल के नहीं बताऊ। मैं भी हिंदू हूँ, हाँ मेरा नाम देखो हिंदू, ये भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले लेना। जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। परमेश्वर भी लजाएगा, यीशु मसीह भी लजाएगा, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को लजाएंगे, है ना। तो खोल के बता, हाँ मैं ईसाई हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं यीशु का चेला हूँ, हिम्मत होना, खोल के बात। अगर मैं ऐसे खोल के बताने से मुझको कुछ ना मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि तो परमेश्वर के सामने मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, मैं तुम्हें प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मैं अपना चाहना, अब मैं अपना आपके जो आपका बेटा है, ऐसा खोल के बात। अगर नहीं करके पूछना मत, मेरा धर्म पूछना मत, ये परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले, ठीक है, खोल के बताइए, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये ऐसे ऐसे बहुत है ना, तीसरी आज्ञा हम कितनी बार हम उल्लंघन करते हैं, कितना हम तोड़ते हैं। क्या था पहला, अगर परमेश्वर का नाम में आदर नहीं दे देंगे, ये भी उल्लंघन है, और परमेश्वर के नाम से हम अगर अपना सोच बताते हैं, ये भी परमेश्वर का नाम का व्यर्थ लेने वाला है। और ओ माय गॉड, ये जीसस ऐसा नॉर्मल नॉर्मल हमारे बातों में इतना गली की तरह हम यूज करते हैं, ये भी परमेश्वर के नाम का व्यर्थ लेने वाला, और परमेश्वर के सामने को वादा किया और उसको पूरा नहीं करते, ये भी परमेश्वर को तुच्छ जानने वाला। मार्क उसमें क्या लिखा था, खोल के बता, ऐसे छुपाना नहीं है, मैं क्रिश्चियन। ये पहला क्या था, कैसे हम तोड़ते हैं ये तीसरी जगह, तो इसको हम कैसे पालन कर सकते हैं तीसरी जगह को। निर्गमन 3:5 देखिए, उसने कहा और अपने पांवों से जूते को उतार दे कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि। हाँ, जो लोग परमेश्वर से मिल रहा उनका क्या उत्तर था, क्या उनका क्या व्यवहार था, मूसा परमेश्वर से मिला, क्या किया परमेश्वर ने, क्या बोला, जूता उतर रहा, जूता उतर रहा, क्यों, यह हम पवित्र है। यशया 6:1-5 जिस पर किया उसिया यशया परमेश्वर से मिला और तुरंत उसने क्या किया, क्या बोला,
हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ हूँ, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उसके नजदीक नहीं जा सकते, उतना पवित्र है, इसलिए मैं हाय 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 मैं नष्ट हुआ हूँ। हम मिट्टी है परमेश्वर के सामने, हम कुछ भी नहीं, दूर से भी हम छोटा है, तो लेकिन इतना महान परमेश्वर को देखा सामने से, तो हाय हाय परमेश्वर के लिए हमारा सही व्यवहार यही होना है, मूसा की तरह जूते उतारना है, जो सर को झुकाना है, दंडवाद करना है, और यशया के समान हाय हाय अपने आप को इतना समझना है, तुच्छ समझना है। ऐसे कि यार एक कथा इस जैसे वर्षा के दिन बादल में जरूर सुखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकार दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, मैंने एक शब्द सुना जैसा कोई बात ही हाँ, जैसे जैसे कि ने परमेश्वर के महिमा को देखा, क्या किया, अपना मुंह का भर गिर, मतलब धन्यवाद किया और उसकी वाणी सुन रहे थे। ऐसे सही से अगर हम परमेश्वर से मिलेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब मैं अपने इंटेंशन से अच्छा ऐसा ऐसे करना है, मान तो नहीं है पर मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसा नहीं है, तुरंत परमेश्वर से जब मिलते हैं तुरंत ऑटोमेटिक हमारे मुंह का भार गिर जाता है, धन्यवाद कर देता है। ये हमारा सही जो व्यवहार है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर उत्तम महिमा है, उत्तम ग्लोरियस परमेश्वर, महान परमेश्वर है। पहला तिमोथियस 6:15-16 परमेश्वर का राज्य युगन युग रहेगा और वो अग्निय ज्योति में रहता है, मतलब हम नजदीक नहीं जा सकते उसी ज्योति में, इतना शाइनिंग चमक रहा है, तो हम बहुत पवित्र परमेश्वर से हम जा भी नहीं सकते, लेकिन हम कैसे पवित्र परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले सकते हैं। ऐसे जैसे हम एक सृजनहार है, हम एक सृष्टि है, सृष्टि सृजनहार का कैसे नाम व्यर्थ ले सकते हैं, असंभव। इसलिए सुलेमान ऐसा कहता है, इसका कंक्लूजन है सब उपदेशा 12:13 सब कुछ सुना गया है, अंतिम बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, है ना, सारा कुछ अभी सुन ले, सुना गया, तो क्या करना चाहिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाते समय, किसके साथ जाना है, भय के साथ, भय के साथ जाना, क्योंकि परमेश्वर आकाश में रहने वाला विराजमान है, हम नीचे से भी नीचे है, धूल के समान है, मिट्टी के समान है, कैसे हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले सकते, तो हमें भय के साथ सर को झुका ऐसे भय के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है, ये नेचुरल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें एक प्रार्थना, तुम स्त्री जिससे प्रार्थना किया करो सिखाया था, पहला क्या है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसके बाद पहली प्रार्थना क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जा रहा है ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर का नाम सबसे अलग हो जाए और सबसे अधिक महिमा तेरा है, तेरी है, कि हम किसी व्यक्ति को बहुत मतलब कीमती समझते हैं, वो किस व्यक्ति का मैं बहुत आदर करता हूँ, मान लीजिए मेरा पापा, अपने अपने पापा के बारे में सोचिए, मैं मेरा पापा का बहुत आदर देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उससे बहुत प्रेम करता हूँ, या मेरी मम्मी से, कोई दूसरा जो बाकी का लोग है, बाहर के लोग है, वो अगर मेरे पापा का नाम को लेके मजा करता है, क्या आपको क्या लगेगा, क्या करेंगे, चुप रहेंगे,
इन्हें चुनो यार। अगर कोई मेरे पापा को, मेरी मम्मी को या मेरे बहन को जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसका नाम व्यर्थ लेते हैं तो मैं नहीं सह सकता। जाके लड़ना है, कुतना देखना है, क्षमा मांगना, ये नहीं छोड़ोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर का नाम बहुत लोग व्यर्थ लेते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे भी है, हम हैं, हम भी परमेश्वर का बाप अपने पिता का नाम व्यर्थ लेते हैं। क्या बात है, ये नहीं हो सकता। क्या करेंगे, जाके हम लड़ेंगे। अबे एक कहानी हम सुन के समाप्त करेंगे। जो एक व्यक्ति था अपने पिता परमेश्वर के नाम के लिए इतना अंदर पैशन था, जिल था। कौन था? दाऊद था। अब सब जानते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला समय 17:10-11। फिर वे फरिश्ती बोला, मैं आज के लिए इस्राएली पतियों को पुकारता हूँ, इसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फरिश्ती की उन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हाँ, फिलिस्ती और इसराइल युद्ध में थे और एक गन था वहां पे, गोलियात, इतना बड़ा लंबा बोला था। उसने क्या किया, इसराइल लोगों की जो सेना जो पंक्तियों को दाई करता था। लाई करता का मतलब क्या है, मजाक करते थे, छत्ता करते थे, मजाक करते थे, कुछ नहीं है ऐसा करके। परमेश्वर के लोग हैं, उनको बहुत मजाक करते थे। तो 23 देखिए, 23 में और जो गोलियत ऐसा बोला था, लाल करता था दाऊद ने सुना। अरे ये आने जाती, तेरा पिता का नाम मेरा पिता के लोगों को अभी क्या कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लाज करता है। तो इसमें देखिए, मेरे दास ने सीप और भालू दोनों को मारा है और वह खतरनाक मरीज फिलिस्तीनी उसके सामने हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद ने शाऊल के सामने, राजा शाऊल के सामने गया और बोला, क्यों कुछ ना करके सिर्फ देख रहे हैं, ये गोलियत अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है, हमारे पिता का नाम अपमान कर रहा है, लेकिन क्यों देख रहे हैं खाली। तो 45 देखिए, 45 हाँ, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आते हो, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा मेरे पिता के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद के पास क्या था, दाऊद के मन में क्या था, परमेश्वर के नाम के लिए ऐसी जुनून था, पैशन था नाम के लिए। कभी और कोई भी मेरे पिता का नाम व्यर्थ नहीं दे सकते। अगर करेगा मैं लड़ूंगा उससे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर मेरे जो प्रिय जन है वो उसका नाम किसी के द्वारा अनदेखा किया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है और तुच्छ जाना जाता है, तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, कैसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें से देखे ना, या तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, या दूसरा हम परमेश्वर से भड़कर संसार से धरते हैं। इसलिए हमारे पास भी दाऊद कस्ता क्या होना है, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और परमेश्वर को सबसे उत्तम से उत्तम महिमा आदर देने के लिए हमेशा में वेदी होना, संसार का सामना करना। ठीक है, पहली आज्ञा क्या थी, पहली आज्ञा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना। दूसरी आया क्या है,
परमेश्वर की रीति से करना, अपनी रीति से नहीं। तीसरा क्या है, सिर्फ रीति इंपोर्टेंट नहीं, रीति तो बाहर का है, अंदर हमारा मान कैसा होना है, वह कैसा, प्रेम के साथ, पैशन के साथ परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर अभी हमसे ये तीसरे के द्वारा ये चैलेंज करता है, कैसे मुझको सेवा करना है, मेरी सेवा कैसे करनी है, सिर्फ मुझको देखो, मेरी इच्छा के अनुसार करो और भय के साथ, प्रेम के साथ मेरे सम्मुख। तो ये सच्ची आराधना, परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर को और परमेश्वर की रीति के अनुसार और भय के साथ, प्रेम के साथ, पैशन के साथ, दोनों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाने वाला हम सब बने, ऐसा आशीष। आइए प्रार्थना करें।